Hey, what's up guys? मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्नोजू। आज हम करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर बात जो हमारे एक एचजी एडिटर्स करके व्यूअर है, उसने हमें हमसे पूछी है और वो है eSIM कंसेप्ट के बारे में। आप अपने eSIM को एक ऐसे कुछ अपने इंटरनल स्टोरेज के जैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज में आप डालते हैं बहुत सारा डेटा। इसी तरह से आप एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने eSIM के अंदर कुछ डालेंगे डेटा, जिससे आप अपने आप फोन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें डालेंगे एक सिम का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हालांकि जो एक्चुअल सिम होता है उसमें ये पीछे की साइड देखने को मिलता है। और उसी तरह से इसमें भी अपने जैसे कि जियो का कुछ एप्लीकेशन है जिससे आप इस eSIM को ऑपरेट कर रहे हो, तो जियो के एप्लीकेशन से आपको मिलेगा कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपने फोन में डालते हैं आईफोन्स में, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन सिम कार्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो एक eSIM मॉड्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके अलावा आपका एक मोबाइल नंबर है जो eSIM मॉड्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। इससे आपका क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं। इससे आपका फोन है आप पतला कर सकते हैं और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मानता हूं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर ये टेक्नोलॉजी पहले ही एप्पल ला चुका है अपने कुछ स्मार्ट वॉचेस में और स्मार्ट बैंड्स में। अब इंडिया में ये टेक्नोलॉजी पहली बार आ रही है, लेकिन हाल ही में मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल दो ही अपने ऑपरेटर प्रोवाइडर्स है जो इसे सपोर्ट करते हैं, एक है एयरटेल और एक है जियो। ये दोनों ही आपको अगर कुछ आईफोन लेते हैं, आईफोन XS या XS मैक्स या XR, तो आपको कांटेक्ट करना होगा या फिर जियो से या फिर एयरटेल से। आप दो ही ऑपरेटर है जिसको आप eSIM का यूज कर सकते हैं। अगर आप करते हैं शायद जियो से कांटेक्ट, तो जियो आपको एक देगा एक यूजर आईडी और पासवर्ड। आपको वो यूजर आईडी और पासवर्ड अपने फोन में डालना है, जिससे आपका जो eSIM मॉड्यूल है वो जियो के हिसाब से कॉन्फिगर हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका फोन कहीं खो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप अपने दूसरे किसी फोन में ये लॉगिन करके उस सिम कार्ड को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा कुछ अगर अपना फोन खो जाता है तो हमें टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करनी पड़ती है, उनसे अपना फोन का जो नंबर है वो बंद करवाना पड़ता है और नया सिम लेना पड़ता है, लेकिन आपको इसमें नया सिम की कोई झंझट नहीं है। अगर आपका फोन खो जाता है तो आपका जो सिम कार्ड है वो अब दूसरे फोन में डायरेक्टली एक्टिवेट हो सकता है विदाउट कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल या विदाउट कोई सिम कार्ड परचेज किए। अब ये है इसकी खास बात eSIM की। और eSIM की अगर हम और बात करें तो ये बहुत मतलब आपका फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपको फोन को और पतला बनाने में बहुत मदद करेगा। और मेरे ख्याल से यार अपना जो सिम कार्ड है हमको यार कैरी करना पड़ता है, अगर हमको मोबाइल में स्विच करना है जो सिम कार्ड निकालो डालो बहुत झंझट है। अगर उसमें भी सिम ट्रे जो है अपनी टूट गई तो यार ढूंढो फिर नई सिम ट्रे। इसी तरह से मैं बात करता हूं तो इसका बेनिफिट यही है मेरे ख्याल से कि अपना फोन जो है पतला हो जाता है और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑपरेटर भी चेंज करना है बस कोई बात नहीं, जियो की एप्लीकेशन हटाओ एयरटेल की एप्लीकेशन डालो, अपना लॉगिन करो और अपना फोन हो गया डायरेक्ट, एयरटेल का सिम आ गया अपना चालू हो गया, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर आपको इस तरह के फोन अगर फ्यूचर में देखने को मिलते हैं तो मेरे ख्याल से इसे लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत फ्यूचर प्रूफ फोन हो जाता है। इससे हम अपने नेटवर्क को इजिली स्विच कर सकते हैं और अपने फोन की थिकनेस भी कम हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े eSIM के बारे में। और अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।